नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मेघना सिंह। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और खास बात यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन ये ग्रहण लगने जा रहा है। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, देश दुनिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नीति शर्मा और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा भाटिया। नीति जी, पहला सवाल आपसे, शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है, शुभ है या अशुभ है? देखिए, ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगता है वो हमेशा पूर्णिमा तिथि को लगता है और सूर्य ग्रहण जब भी लगता है वो अमावस्या को लगता है। शरद पूर्णिमा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी का प्राकट्य दिवस हुआ था। इस दिन जो चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है और पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक होता है, जिसकी वजह से वो अमृत की धारा पृथ्वी पर भेजता है। तो पूर्णिमा और उसके ऊपर भी शरद पूर्णिमा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए और सिद्धि के लिए, शुभता के लिए बहुत ही उत्तम ग्रहों का योग माना जाता है। लेकिन इस बार इस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। आज के दिन चंद्रमा जो है वो अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में ये ग्रहण लग रहा है। राहु भी इस समय अश्विनी नक्षत्र में है और मेष राशि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। लेकिन एक शुभ फैक्टर यहाँ पे ये है कि गुरु चंद्रमा के और राहु के साथ बैठा है। हालांकि गुरु इस वजह से दूषित हो रहा है, लेकिन गुरु के शुभ प्रभाव से चंद्रमा और राहु थोड़े से बचे हुए हैं। मूलतः कोई भी ग्रहण शुभ नहीं होता है और इस बार क्योंकि ये मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में लग रहा है, हम देख रहे हैं कि विश्व में समय वॉर की स्थिति बनी हुई है, युद्ध का काल एक तरीके से आगाज हो चुका है और इस ग्रहण के बाद ये और ज़्यादा एग्रीवेट होने वाला है। क्योंकि मेष राशि जो है मंगल की राशि है, सेनापति की राशि है, ब्लडशेड की राशि है, ये बहुत ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करने वाली राशि है। तो निश्चित रूप से इस ग्रहण में, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसका पूरा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा, भारत के साथ साथ काफ़ी और देशों में देखा जाएगा, तो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मान सकती हूँ। लेकिन क्योंकि गुरु साथ में बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी अशुभता कम ज़रूर होगी। जी पूजा जी, आपके पास आना चाहूँगी। कहते हैं कि 15 दिन के अंदर जब दो ग्रहण पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अशुभ फल देता है। इसराइल की बात की जाए, वहाँ युद्ध की फिलहाल स्थिति चल रही है, वॉर हो रहा है, बाढ़ जगह जगह आ रही है, भूकंप हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब बात की जाए, अब क्या और अशुभ देखना रह गया है? देखिए, जनरली जब भी 15 दिन के अंतराल पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आता है तो डेफिनेटली इसका नेचुरल कैलेमिटीज़ पे बहुत बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं तो बहुत भीषण वर्षा होगी, बाढ़ की स्थितियाँ बनेगी, कहीं एक्सट्रीम अकाल पड़ेगा। और जिस तरह से मंगल की राशि में आप कह रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र में है और मंगल में की राशि में पड़ रहा है ये ग्रहण, तो मंगल की राशि क्या होती है? मंगल की राशि होती है ब्लडशेड की राशि, ठीक है, ये दुर्घटनाओं की राशि होती है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये राशि जो होती है अग्नि, शस्त्र, गैस, इन सब चीज़ों के, इस तरह के कांड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अग्नि कांड, कहीं बहुत मेजर वायलेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रेस्टलेसनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मून जो है, मून भी महिला का कारक होता है, ठीक है। और मंगल की राशि में अगर हम देख रहे हैं ये ग्रहण लग रहा है तो कहीं ना कहीं वुमेन के अगेंस्ट कहीं ना कहीं क्राइम बढ़ना, हम यहाँ ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं। इसके अलावा हम जो एक्सट्रीम, अगर हम भारत की कुंडली लगाएं तो भारत की जिस तरह से हमारी वृषभ लगन की कुंडली है और ये 12वें स्थान पे ग्रहण लग रहा है, तो 12वें स्थान में ग्रहण में हमें थोड़ा सा नेवल बॉर्डर से हमें इंडिया को थोड़ा सा सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जो है चंद्र ग्रहण में हमें जो एक्सट्रीम जो है हाई टाइड्स आती हैं बड़ी ज़बरदस्त, टाइडल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट करती है, विमान दुर्घटनाएं होती हैं। और जिस तरह से अब मंगल का राशि परिवर्तन भी 14 नवंबर के आसपास होने जा रहा है और जब मंगल और शनि का संबंध बनेगा 410 एक्सिस पे मार्स और सैटर्न आएंगे, तो वो समय वहाँ से लेकर 45 दिन वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि उन 45 दिनों में वॉर एक्सट्रीम अपने उस पर आएगी और उसके साथ ही उसके बाद धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। नीति जी, शरद पूर्णिमा पर ग्रहण पड़ रहा है और कहते हैं कि शरद पूर्णिमा पर चांद से अमृत टपकता है, खीर रखते हैं उसमें और उस खीर को सुबह खाते हैं, इस बार ग्रहण है, कैसे होगा? निश्चय रूप से शरद पूर्णिमा में खीर का भोग लगाना
और माँ लक्ष्मी को और राधा रानी को भोग लगाना बहुत ही शास्त्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, शुभता की प्राप्ति के लिए खीर को चंद्रमा की ऊष्माओं के नीचे रखा जाता है। अब समस्या ये है कि रात को 29 तारीख की मध्य रात्रि को जो ग्रहण लग रहा है वो 1:05 से लेकर 2:24 तक लग रहा है। तो जो हमको समय मिल रहा है, उस समय तो हमको ग्रहण मिल रहा है, तो इसमें एक ही उपाय रह जाता है कि सुबह 4:17 28 की सुबह, जिस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, वहाँ से लेके सूर्य उदय तक जो 6:30 के आसपास होगा, यानी कि 4:17 सुबह प्रातःकाल से 6:30 के बीच में अगर आप खीर को चंद्रमा की, आकाश की ऊष्माओं के नीचे रखते हैं, तो आपको जो पूर्णिमा का जो लाभ है खीर में वो आपको प्राप्त होगा। नहीं तो फिर आपको ग्रहण के अगले दिन करना उचित रहेगा, लेकिन सबसे अच्छा समय है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:17 से सुबह 6:30 के बीच में खीर को बनाकर आप चंद्रमा की ऊष्माओं के नीचे सूर्योदय से पहले रखें और उसको फिर प्रसाद के रूप में आप सारे घर वाले खाएं। पूजा जी, आपके पास आना चाहूंगी। सूतक काल की बात की जाए, सूतक काल किस वक्त से किस वक्त तक लग रहा है और क्या ऐसे काम है जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिल्कुल मनाही होती है जिन्हें करने की? सूतक काल में क्या करना नहीं चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूतक काल में जब 9 घंटे पहले हमारा सूतक लग जाता है तो उस समय कहा जाता है कि मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और मंदिर में प्रवेश वर्जित हो जाता है, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उनको ढक दिया जाता है। तो इस तरीके से मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, कोई भी शुभ कार्य सूतक काल में करना वर्जित माना गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इसका अच्छा परिणाम नहीं मिलता है। इसके अलावा सूतक काल में आप जो है हो सके तो ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, कोई भी नया काम करना अवॉइड कीजिए, और इसके अलावा आप सूतक काल में हो सके तो तुलसी को बिल्कुल भी ना तोड़े ना ही छुएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तुलसी का पत्ता जो भी हम खाने में डालते हैं वो आप सूतक काल से पहले तोड़कर ही अपने खाद्य पदार्थ में डाल दें, उसी से ही बेटर रहेगा। और इसके अलावा सूतक काल में आपको कोशिश कीजिए कम खाएं पिएं, क्योंकि जिस तरह से चंद्र ग्रहण जो है थोड़ा सा आपके जो बॉडी के फ्लूइड्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है, तो जितना आप खाने पीने का सेवन कम करेंगे उतना आपके बॉडी के फ्लूइड्स मेंटेन रहेंगे। स्टमक अपसेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, खास करके जो कर्क लगन के लोग होते हैं उनका जो है इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े और तनाव से बचें इस पीरियड में। मंत्र चैंटिंग करते रहें वो बहुत ज़रूरी है, और खासकर की जो गर्भवती महिलाएं हैं सूतक काल में बाहर निकलना अवॉइड करें और किसी भी चाकू या धारीदार चीज़ का इस्तेमाल ना करें ग्रहण के टाइम पे और सूतक काल के। जी पूजा जी, आपने मंत्र की बात की, कौन सा मंत्र हमें पढ़ना चाहिए? देखिए मंत्र जो है सबसे बड़ा, तो जिस तरह से हम बोलते हैं कि चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जो है मन का कारक है तो माइंड पे मेजर इम्पैक्ट आता है, इमोशंस पे इम्पैक्ट आता है, तो आप चंद्रमा के मंत्र कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का मंत्र कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय अपने मन की शांति के लिए इसी की चैंटिंग्स करते रहिए। अगर आप बहुत बीमार फील कर रहे हैं या घर में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत बीमार है तो आप महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। नीति जी, बात की जाए शरद पूर्णिमा की, शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, कहते हैं कि धनवर्षा होती है लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो, लेकिन इस बार ग्रहण है, कैसे पूजा पाठ की जाए? देखिए निश्चय रूप से पूजा आप निसंकोच होकर कर सकते हैं, और ग्रहण काल में आप कर्मकांड की पूजा नहीं कर सकते लेकिन मंत्र जाप का बहुत प्रभाव होता है, रादर इस समय लोग सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो ये वो समय है जब आप मंत्रों की ऊर्जाओं को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं और उससे ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री का बीज मंत्र ओम श्रीम या श्री सूक्तम का पाठ या फिर भगवान शंकराचार्य द्वारा निर्मित कनक धारा स्त्रोत्र अगर आप पढ़ते हैं पूरे दिन पूर्णिमा के दिन तो आपको विशेष फल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन अगर आप ग्रहण काल से पहले, सूतक काल से पहले अपने घर में श्री यंत्र की पूजा करें और श्री सूक्तम का पाठ करें तो निश्चय रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूजा में आप कोड़ी और गोमती चक्र को अवश्य इस्तेमाल करें और स्वटीक की माला से माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र को आप जाप करने से लक्ष्मी की निश्चय रूप से प्राप्ति होती है। और जिस समय ग्रहण काल रात को चल रहा होगा, जो मध्य रात्रि का समय होगा, तो हो सके उस समय आप सोए नहीं और अपने, चाहे आप अपने शयन कक्ष में बैठकर या गर्भवती महिलाएं हैं
तो वो अपने बेड पे लेट कर ही जागृत अवस्था में वो मन से, जो कहते हैं ना सांसों की माला से, मंत्रों का जाप करें, माँ लक्ष्मी का जाप करें, चंद्रमा का जाप करें, चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। और दो बीज मंत्र आपको ज़रूर जाप करने चाहिए, सिद्धि के लिए भी और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए। वो मंत्र है राहु और केतु के बीज मंत्र, क्योंकि जो ग्रहण लगता है वो राहु केतु की एक्सिस की वजह से लगता है। और रात्रि में ये जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं राहु और केतु की, ज़्यादा सक्रिय होती हैं, ग्रहण काल में तो पूर्ण प्रभाव में होती हैं। तो जब आप इस समय ये मंत्रों का जाप करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जाएँ किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आ गई हैं वो क्षीण होती हैं और सकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तित होती हैं। पूजा जी, आपके पास आना चाहूँगी। हमने देखा कि पूरी दुनिया इस वक्त अर्थव्यवस्था के मुश्किल दौर से गुजर रही है, ऐसे में व्यापारी वर्ग की बात की जाए तो ग्रहण के दौरान उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो ग्रहण है ये मेष राशि और अश्वनी नक्षत्र में पड़ रहा है। अब अश्वनी नक्षत्र की यदि हम बात करें तो जो लोग मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फार्मिस्ट, वैद्य, हकीम, थेरेपिस्ट, इन पे मेजर इम्पैक्ट है। साथ ही इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि जो जितने भी लोग जो स्पाइसेस के बिजनेस में हैं उनके लिए तो ये बेटर है, लेकिन जैसे चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जितने भी मून रिलेटेड बिजनेस हो गए, क्लॉथिंग, गारमेंट, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखेंगे तो अभी पीछे इन सब डेयरी प्रोडक्ट्स की और टेक्सटाइल्स के स्टॉक्स जो हैं बहुत ज़बरदस्त गिरे भी हैं। तो मेजर फ्लक्चुएशंस आप देखेंगे, सोना चांदी के भाव में आप मेजर फ्लक्चुएशंस देखेंगे, तो व्यापारी वर्ग पे तो डेफिनेटली इस चीज़ का असर पड़ेगा ही। और सूर्य, चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं, बिजनेस हैं, स्पेसिफिकली जो बिजनेस जिसमें हॉर्सेस का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी इम्पैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में व्यापारी वर्ग को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप माँ लक्ष्मी के मंत्र करते रहिए और अपने बिजनेस के स्थान पे, अपने ऑफिस में ग्रहण के बाद गंगा जल छिड़किए। साथ ही आप जो है क्या कर सकते हैं कि ग्रहण के बाद दान पुण्य कर सकते हैं। दान पुण्य करने से ग्रहण का बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट जो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उसका शुभ प्रभाव आपको सुनने को मिलता है। साथ ही आप मंत्रा चैंटिंग करते रहिए और मनोकामना पूर्ति के लिए, अपने बिजनेस की जो है ग्रोथ के लिए आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, पूरे ऑफिस में गंगा जल छिड़क सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या करते हैं, ग्रहण के बाद जो है मीठे चावल बना के यदि आप कौवों को खिलाएंगे तो कहा जाता है कि ग्रहण का दोष बहुत हद तक असर कम हो जाता है। तो आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं जी। नीति जी, अगर खाने पीने की बात की जाए तो ग्रहण के दौरान खाने पीने की मनाही होती है, खाना पीना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ अगर सूतक काल की बात की जाए तो वहाँ पर भी मनाही होती है, तो खाना कब तक खा लेना चाहिए इस वक्त में? देखिए, आइडियली तो जो पीक टाइम है ग्रहण का, जो मध्य रात्रि है, वो भोजन का समय है नहीं, शयन का समय है। तो वहाँ तो आपको एक सेविंग फैक्टर मिल रहा है कि और तकरीबन सवा घंटे का ये ग्रहण लगेगा, उस समय तो बिल्कुल ही निषेध है खाना और मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाएगा, दोपहर को, शाम को 4 बजे के 5 मिनट के आसपास प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इतना समय रहना, भूखा रहना 9 घंटे संभव नहीं है। जो लोग रोगी हैं या जो लोग महिलाएं जो गर्भ अवस्था में हैं, तो आपको करना क्या है, तुलसी पत्र अपने खाने के भोज में आप डाल दीजिए, या फिर तुलसी की आजकल ड्रॉप्स भी आती हैं आप उनको भी डाल सकते हैं। तुलसी तत्व में ऑक्सीजन की मात्रा और शुभता की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जो नकारात्मक कीटाणु होते हैं ग्रहण की वजह से, वो उनका कहीं ना कहीं नाश करती हैं। दूसरी जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए आवश्यकता है वो वायु का, प्राण ऊर्जा है, जो पंच तत्वों में जो वायु है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कोविड में भी हमको पता चला कि कितनी ज़रूरी होती है प्योरिटी ऑफ एयर, और उसी के माध्यम से जब आप कोई मंत्र को चैंट करते हैं तो आप उस ऊर्जा को सकारात्मक बना के उसको ग्रहण करते हैं। तो आप जो भी खाना इस समय आप ग्रहण करें सूतक काल के समय, उस खाने में तुलसी पत्र या तुलसी के ड्रॉप्स डालें और उसके बाद उस खाने को सामने रख कर आप महामृत्युंजय के मंत्र से और चंद्रमा के बीज मंत्र से, अगर आपने कोई अपना गुरु मंत्र ले रखा है तो उस मंत्र से चार्ज कर उसके बाद आप उस खाने को अगर आप ग्रहण करते हैं तो निश्चय रूप से उसके नकारात्मक प्रभाव काफ़ी हद तक क्षीण हो जाते हैं। तो खाना आपको खाना है लेकिन उसको मंत्रों के द्वारा चैंट करके, तुलसी पत्र डाल के उसको शुद्ध और पवित्र करके खाना जी। पूजा जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो उसे ग्रहण के दौरान पूरा किया जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए?
देखिए, जहाँ एक तरफ हम ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, वहीं अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो ग्रहण की रात जो होती है सिद्धि की रात्रि मानी जाती है। इस दिन आप जिस भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं उस मंत्र की यदि आप चैंटिंग करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपकी कोई भी मैनिफेस्टेशन है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस। और अगर आप किसी भी आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद किसी तरह के रोग से पीड़ित हैं तो आप ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए ताकि आपकी बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती से गुजर रही हैं, आपकी ज़िंदगी में रुकावटें आ रही हैं, तो आप शनि मंत्र का जाप कीजिए। इससे शनि मंत्र का जाप करने से साढ़े साती का प्रभाव कम होगा। यदि आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं तो आप मंगल की उपासना कीजिए, आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके मंगल संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो लाइफ में ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशंस करने से बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हम जो चंद्रमा के जितने भी हमारे मंत्र होते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय का मंत्र हो गया, महामृत्युंजय का मंत्र हो गया, चंद्र का स्पेसिफिक ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र हो गया, और इसके अलावा हम मंत्र में लक्ष्मी जी का मंत्र, अगर हमें लक्ष्मी जी के अपने बिजनेस में उन्नति चाहिए, बिजनेस ग्रोथ चाहिए, तो लक्ष्मी जी के मंत्र हम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये रात मंत्र सिद्धि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हैं आप इस रात में कर सकते हैं। नीति जी, अगर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात की जाए तो बहुत सी उन्हें सावधानियां बरतने के लिए कहा जाता है। अब ये रात के वक्त ग्रहण पड़ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या उन्हें सोना चाहिए या उठना चाहिए उस वक्त, और छोटे बच्चों के बारे में भी? देखिए, अगर संभव हो तो ग्रहण के समय आपको जागना चाहिए। आप लेट सकते हैं जी। आप लेट सकते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को स्पेशली इस समय लूज कपड़े पहनने चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के उनको सोना नहीं चाहिए। और उसके बाद वो इस अवस्था में सोएं कि ज़्यादा मूवमेंट ना करें, और जो आपके गर्भ का स्थान है, जो आपके बेली का एरिया है, उसके ऊपर आप आलता या चंदन का एक लेप लगा सकते हैं। कोई ठंडी चीज़ या फिर आलता या रोली में आलता मिला के या चंदन में आलता मिला के आप उस अपने जो गर्भ के एरिया को है उसको आप ढक के उसका लेप लगा के लेट सकते हैं। और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं यूज़ करने हैं। मानसिक जाप आपको करते रहना है, अपने शिशु के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहना है, अपने अच्छे प्रसव के लिए प्रार्थना करते रहना है, और मुख्यतः रूप से जितना मेडिटेशन करेंगे उतना ही अच्छा है। और ये जो वस्त्र आप रात को पहन के सो रही हैं, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, वो सुबह उठने के बाद संपूर्ण वस्त्र आपको दान करने हैं, और उसके साथ थोड़ा सा दान सामग्री जैसे कि आटा, चीनी, चावल, सफ़ेद वस्तुएं, वो आपको किसी गरीब महिला को, क्योंकि चंद्रमा महिलाओं का कारक है, माता का कारक है, जो माता समान महिलाएं हैं उनको आप सुबह दान कर दीजिए, और उसके बाद पुनः गंगा जल से स्नान करके आप अपनी दैनिक क्रियाओं में आप अपना काम कर सकते हैं जी। नीति जी, एक सवाल यहाँ जानना चाहूँगी। जिस तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं को कहा जाता है कि उन्हें इस वक्त में कुछ काटना नहीं चाहिए, कहते कि बच्चे के अंगों पर इसका असर पड़ता है, क्या ये मिथ है या वाकई ऐसा कुछ? देखिए, टेक्निकली आप सोचेंगे तो इट्स नॉट कि इफेक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, चंद्रमा मन का कारक है, आपकी फीलिंग्स का, आपकी भावनाओं का कारक है। और जब भी चंद्रमा पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब पूर्णमासी या फिर अमावस्या होती है तो जो मेंटली चैलेंज लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे कि फुल मून या नो मून के समय आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है या कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी फीलिंग आती है। तो यहाँ पे क्योंकि चंद्रमा प्रभावित है उसकी वजह से मानसिक अवसाद, डिप्रेशन जैसी समस्याएं, एंजाइटी इश्यूज हो जाते हैं। और जब आप एंजाइटी इश्यूज हैं, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं और आप शार्प ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपको हर्ट करें या कोई एक्सीडेंट हो जाए। तो इसको साइंटिफिकली इसलिए समझना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई अंग बच्चे का ख़राब हो जाता है, इट्स नॉट एज दैट इट इज़ सेड। सिर्फ इसलिए कि मानसिक ऊर्जाएं इस समय थोड़ी सी अनबैलेंस और एजिटेटेड होती हैं, उसकी वजह से आप अगर कोई भी ऐसा काम जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसको आप अवॉइड करेंगे तो उसका आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी ये ग्रहण का जो समय मध्य रात्रि, वो ऐसा कोई समय नहीं है कि आप कुकिंग करेंगे, वो ऐसा कोई समय नहीं है कि आप कैंची का इस्तेमाल करेंगे या सुई धागे का इस्तेमाल करेंगे। तो डेढ़ घंटे का, सवा घंटे का पीरियड है, आप रेस्ट करिए और चैंटिंग करिए और उसका अच्छा फल प्राप्त हो आपको जी।
पूजा जी, हर कोई जानना चाहता है कि राशियों पर, उसके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा, ग्रहण का क्या असर पड़ेगा। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी किस राशि पर अच्छा प्रभाव ये ग्रहण लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी जिस तरह से मेष राशि में ग्रहण है, तो मेष राशि और तुला राशि पे इसका नकारात्मक प्रभाव है। और चंद्रमा जो है कर्क राशि का स्वामी है और सूर्य जो है वो सिंह राशि का स्वामी है, तो इन चार राशियों में थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव है। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो मिथुन राशि पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि मिथुन राशि से गैरवे भाव में लग रहा है, लाभ स्थान पे ग्रहण लग रहा है, तो बहुत ही शुभ रहेगा मिथुन राशि के लिए। बिजनेस में ग्रोथ, उन्नति, इंक्रीमेंट के चांसेस, जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं। वहीं दूसरी राशि अगर मैं देखूँ तो वृश्चिक राशि के लिए भी ये बहुत शुभ है, क्योंकि वहाँ से छठे भाव में लग रहा है, तो अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलेंगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी सक्सेस होती हुई नज़र आ रही है वृश्चिक राशि वालों के लिए। और इसके अलावा किसी भी तरह का रोग, ऋण, शत्रु, उसको परास्त करने में आप काफ़ी सामर्थ्य रहेंगे। तीसरी राशि जो है कुंभ राशि की, यदि मैं बात करूंगी, वहां से तीसरे स्थान में लग रहा है तो शुभ यात्राएं होंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स होंगी जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली हैं। तो ओवरऑल इन राशियों के लिए तो पॉजिटिव इफेक्ट है। तीन चार राशियों के लिए, जैसे कि मैंने बताया मेष और तुला और कर्क और सिंह के लिए, थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, लेकिन ये सब जनरल इम्पैक्ट होता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की दशाएं चल रही होती हैं, चंद्रमा की दशाएं चल रही होती हैं, उनका जो है मेजर इम्पैक्ट रहता है। ओवरऑल इट्स अ जनरल इम्पैक्ट। जी, जिन राशियों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उन्हें क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया चंद्रमा मन का कारक है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंजाइटी की प्रॉब्लम, एक बेचैनी होने की प्रॉब्लम ये होती है इस समय, तो पानी से ही हीलिंग भी होती है। एक तो आप जो भी जल ग्रहण करें उसको अभिमंत्रित करके ग्रहण करें, और जिस समय आप स्नान करते हैं तो उस स्नान के पानी को भी आप अभिमंत्रित करें, और स्नान के पानी में अगर आप चंदन का इत्र लगा देते हैं, डाल देते हैं, तो चंदन से राहु को डर लगता है, तो राहु की जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं वो चंदन से क्षय हो जाती हैं। तो चंदन का इत्र अपने कपड़ों में, अपने नहाने के पानी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव ऊर्जाएं कम होती हैं, और ये सभी राशि वाले निसंकोच होकर कर सकते हैं। इसके अलावा राहु केतु के मंत्रों का जाप, चंद्रमा के मंत्रों का जाप, राहु केतु की अगर महादशा चल रही है आपकी कुंडली में, चंद्रमा की महादशा चल रही है, तो विशेष रूप से आपको इसका प्रभाव पड़ने वाला है। पूजा जी, आपसे जानना चाहूँगी, अगर राशियों की बात की जाए, राशियों पर जिस तरह से आपने बताया कि असर हो रहा है, कुछ पर अच्छा है और कुछ पर बुरा है, लेकिन कितने दिन तक ये प्रभाव रहता है और कितने दिन तक सावधानियाँ बरतने की या फिर उपाय करने की ज़रूरत होती है? देखिए, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का इफेक्ट जो होता है 30-45 डेज तक रहता है, और जैसे कि मैंने बताया कि ये जनरल इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा और सूरज कहा जाता है सृष्टि के माता पिता हैं, ल्यूमिनरीज हैं, तो जब यही पीड़ित रहती हैं तो डेफिनेटली पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। और मून जो है वो माइंड का, इमोशंस का और हमारी बॉडी के फ्लूइड्स का कारक है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल इम्पैक्ट, एंग्जाइटी, ठीक है, वुमेन्स में हार्मोनल इश्यूज, टेंशंस, एंग्जाइटी प्रॉब्लम रहती है, तो इसका इम्पैक्ट 15-30 दिन के बीच में आप ज़्यादा देखेंगे। और जितनी राशियां हैं जिनकी राशियों में एक्चुअल में राहु केतु की दशाएं या चंद्रमा की दशाएं या फिर ग्रहण योग की पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं में आप ज़्यादा इफेक्ट देखेंगे। ओवरऑल जनरल इफेक्ट है। आप जो है चंद्रमा के मंत्र, देखिए मंत्र उच्चारण हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, तो आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते रहिए, और जिस तरह नीति जी ने बताया कि आप पानी को अट्यून करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके यदि आप वो पानी पियेंगे ना, तो आपके अंदर जब वो अट्यून्ड वाटर जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती ही आती है। सिर्फ चंद्र ग्रहण के आसपास नहीं, ये आपको नॉर्मल रूटीन में भी अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए कि जब भी पानी पिए, वाटर चार्ज करके पिए, ओम नमः शिवाय, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, 5 बार उस मंत्र का जाप कीजिए और पानी पीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जी, आप दोनों से ही आखिरी सवाल है, क्या ग्रहण से डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, इन्होंने होना ही होना है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विशेष सावधानियाँ अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चय रूप से आपकी जो मानसिक मनोबल है वो आपका स्थिर रहता है और आपका मन नहीं भटकता, तो मुख्यतः रूप से डरने की आवश्यकता नहीं है,
ये होता ही है, होगा, आगे भी होगा, लेकिन आपको अपनी मानसिक ऊर्जाओं को चैनलाइज करना है, स्टेबल रखना है, उसकी बात। जिस तरह से एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, होना ही है, और साल में चार ग्रहण लगते ही लगते हैं, तो ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और इससे 14 दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगा है, तो आपको इसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव साइड देखिए, मंत्र सिद्धि का वक्त है, आप अपनी मंत्र सिद्धि कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि कुंडली के अनुसार, ग्रह दशा के अनुसार आपका जो इंडिविजुअल हॉरोस्कोप है उसका मेजर इम्पैक्ट रहता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का जनरल इम्पैक्ट रहता है, बाकी आपकी कितना मनोबल कितना स्ट्रांग है उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो ग्रहण से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे से उपाय कर आप ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से दूर रह सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।